बापू कहाँ हैं? कोई कुछ बताएगा भी? भैया, बापू लापता है। क्या पता करना होगा कि बेचारे दीनदयाल और ठाकुर में क्या बातचीत हुई। तूने उसे ये तो बताया ही नहीं कि उसने क्या कुछ गिरवी रख रखा है हमारे पास। ठाकुर साहब मानेंगे तो सिर्फ इस बात पर कि तू लिखत पढ़त कर ले कि इस रकम के अलावा तूने आज 50,000 और लिए। मुंशी कहीं इसलिए तो नहीं मोड़ा गया था कागज को यूं कि जब उस गंवार अनपढ़ का अंगूठे का निशान लिया तो उस वक्त स्टैंप पेपर का जो हिस्सा ऐसा है जिस पर स्टैंप लगी हुई है उसकी उल्टी तरफ मोड़ दिया गया हो। जनाब, दीनदयाल बेहोशी के हालत में गांव के बाहर पाया गया। शक है कि उसने जहर ले लिया। अरे दोस्त, मैं जानता हूं आप लोगों को इनकी बहुत चिंता है, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग आराम करिए। ये भी बेहोश पड़े हैं, दवाओं का कुछ असर है। जैसे ही होश में आएंगे मैं आपको बुला लूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना, आप बचा तो लेंगे ना इन्हें? डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं, आप इन्हें बचा लीजिए। देखिए, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, हम कौन होते हैं बचाने वाले? बचाने वाला तो ऊपर वाला है, उसकी दुआ कीजिए। ये खबर तो बहुत ही गंभीर है दौलत राम, कि उस ससुरे दीनदयाल ने अपनी जान लेने की कोशिश की, और अब ये भी कि उसे कुछ कुछ होश भी आ गया है। अजी हुजूर, होश आ भी गया तो का हुआ? अधिक से अधिक यह तो कहेगा ना कि मेरे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था और मैंने जहर खा लिया। अब हमने तो हुजूर नहीं ना उकसाया उसे आत्महत्या करने के लिए। लेकिन ये क्यों भूलते हो मुंशी कि वो मर जाता है तो भी और बच जाता है तो भी, कम से कम मरते वक्त कोई ऐसी बात कह सकता है जिससे यह सिद्ध हो जाए कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई। भाई दिलीप सिंह, उधर वो बेचारा दीनदयाल अस्पताल में बेहोश पड़ा है। डॉक्टर ने मुझे बताया उसके बचने की कोई खास उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी एक आध बार शायद होश में आ जाए। मेरे लिए क्या हुक्म है सर? तुम अस्पताल में उसके होश में आने का इंतजार करो। जो ही वो बोलने की हालत में हो उसका बयान लो, उसने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की। वैसे वो धोखेधड़ी का शिकार हुआ है, इसमें मुझे तो जरा भी शक नहीं। बेचारा अनपढ़ जो ठहरा। इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है सिस्टर, लेकिन अगर एक बार होश आ जाए इन्हें तो इनके घर वालों को कुछ तसल्ली हो, वो कम से कम इनसे कुछ बात तो कर सके। हाँ डॉक्टर, बेचारे बहुत परेशान हैं। नमस्कार। आइए आइए कृष्ण गोपाल जी, बैठिए। शायद आप दीनदयाल के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, कि कल दीनदयाल मुझसे मिला था, बहुत परेशान था बेचारा। आई सी, क्या बात हुई उससे? दीनदयाल के हाथ में एक कागज था, स्टाम्प पेपर। हाँ तो? इंस्पेक्टर साहब, दीनदयाल को ये अच्छी तरह मालूम था कि मैं शहर में अदालती काम करता रहा हूँ और कानूनी बारीकियों को जानता हूँ। हाँ तो आगे कहिए। इंस्पेक्टर साहब, वो कागज असल तो नहीं, मेरा मतलब ओरिजिनल कागज नहीं थे, फोटो कॉपी थी, पर उसके ऊपर लगी अंगूठे की छाप बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती थी। और इंस्पेक्टर साहब, दीनदयाल मुझसे शनाख्त करवाने आया था कि ये छाप क्या वाकई उसके अंगूठे की छाप है। हाँ तो आगे कहिए। मैंने कागज पर दीनदयाल के अंगूठे के निशान के दो तीन नमूने लिए और उन्हें उस कागज पर लगी छाप से मिलाया, तो मैंने कहा भैया दीनदयाल, ये हैं तो तुम्हारे ही अंगूठे के निशान। बस ये सुनना था कि बेचारा रोने बिलखने लगा। मैंने कागज की तहरीर पढ़ी तो उस पर लिखा था कि दीनदयाल अपना घर और जमीन ठाकुर अवतार सिंह के यहां गिरवी रख रहा है। बिलखते बिलखते दीनदयाल ने यह भी कहा कि उसने तो कभी किसी ऐसे कागज पर अंगूठा नहीं लगाया था, बल्कि यह भी कहा कि उसने कभी किसी स्टाम्प पेपर पर जिंदगी भर अंगूठा नहीं लगाया। मैंने बस इतना ही कहा कि दीनदयाल, अब यह कागज ऐसा है कि ठाकुर तुम्हारी जमीन अपने नाम करवा सकता है। उसका यह सुनना था कि उसे ऐसा लगा कि उसके पांव तले से जमीन खिसक गई है। बिना कुछ कहे बेचारा बाहर निकल गया।
सो एक मिनट, कहीं इस कागज की फोटोकॉपी तो नहीं थी? जी जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल यही। बेचारा अनपढ़ धोखे में आ गया। ठीक है इंस्पेक्टर, मरीज को होश आने दीजिए, आपको बुला लिया जाएगा। डॉक्टर। यस सिस्टर। पेशेंट को यूं लगता है कि होश आ रहा है। ओ आई सी, चलिए आप भी चलिए बेशक। डॉक्टर साहब हम भी आ सकते हैं क्या? पहले मरीज को देख लूं फिर आपको भी बुला लिया जाएगा। बैठो मां, थोड़ा और धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा मां। ओ चाचा जी। बेटा अब तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? सुना है कि होश आ रहा है, आप बैठिए। हाँ अच्छा दीनदयाल जी, मैं चलता हूँ। ऐसी हालत में मैं आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, भगवान करे आप जल्दी ठीक हो जाए। इंस्पेक्टर साहब से जो आपकी बात हुई चाचा, उससे तो साफ जाहिर होता है कि उन लोगों ने बापू को बहुत बड़ा धोखा दिया है। उन लोगों ने बापू के अनपढ़ होने का पूरा फायदा उठाया है। अब जो हो गया सो हो गया बेटे, भगवान से अब ये प्रार्थना करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप सब आ सकते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया जी? बोलो कुछ तो बोलो। मुझे सब पता चल चुका है बापू कि बहुत बड़ा धोखा हुआ था आपके साथ, लेकिन लेकिन आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलो बापू। अब क्या बोलेंगे ये? प्रार्थना करो माँ जी इनकी आत्मा को शांति। नहीं बापू, मैं कसम खाता हूं बापू कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन लोगों ने आपको धोखा दिया और जिसके कारण मैं ये भी कसम खाता हूं बापू कि अब हमारे गांव में कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, कोई नहीं, बच्चा बूढ़ा जवान मर्द कोई ऐसा नहीं रहेगा जिसके साथ वैसा धोखा हो सके जैसा आपके साथ हुआ। अरे बेटे प्रभु दयाल, तुम? मैं तो घबरा ही गया था कि मेरे पीछे पीछे कौन चला आ रहा है। हाँ मैं ही हूँ मुंशी। बड़ा अफसोस हुआ बेटा ये जानकर कि तुम्हारे बापू परलोक सिधार गए। हाँ मुंशी, बात तो अफसोस की है, खास तौर पर तुम्हारे लिए, क्योंकि ना जाने अब तुम्हारा क्या हश्र होने वाला है। क्यों मजाक कर रहे हो बेटा? नहीं नहीं, मैं क्यों मजाक करूंगा मुंशी। क्या चाहते हो? ओह, मैं तो घबरा ही गया था। ये क्या है बेटा? परवाना। परवाना? तुम्हारी गिरफ्तारी का मुंशी, इसके जरिए मैं तुम्हें जेल की हवा खिलवाऊंगा। मैं समझा नहीं बेटा, क्या मतलब है तुम्हारा?
ये वही फोटोकॉपी है मुंशी जिसे बापू को दिया गया था। पहचानते हो ना इसे? बापू अनपढ़ थे लेकिन मैं नहीं हूं, 6 जमातें पढ़ चुका हूं। इस कागज पे लिखा एक एक शब्द मेरे दिल पे भी लिखा जा चुका है और इसका एक एक शब्द तुझ पर बहुत भारी पड़ने वाला है मुंशी। और यह भी जान लो तेज नकल की असल ओरिजिनल दस्तावेज भी मैं देख चुका हूं जो कि इस वक्त थानेदार साहब के पास है। होशियार रहना, इस कागज के जरिए मैं तुम्हारे दीवान खाने में पड़े बही खाते के एक एक कागज को दुनिया के सामने लाने वाला हूं। तुम्हारे और तुम्हारे ठाकुर अवतार सिंह की गिरफ्तारी कब होती है अब सिर्फ इसी का इंतजार है। जय राम जी की। ले बेटा 2 घूंट पी ले। नहीं मां, जरूरत नहीं है। भैया ऐसा कब तक चलेगा? क्या मेरा और माँ का दुख कम है तुमसे? ना कुछ खा रहे हो और ना कुछ पी रहे हो। सुबह खाना खा लिया था मैंने, बस बहुत है। हाँ खाया तो था, बस एक रोटी। कब तक अपने शरीर को यूं कष्ट देते रहोगे? क्या इसे मुन्नी दो कौर निगल सकेगी? क्या मुझसे कुछ खाया पिया जा सकेगा? तो दो, पी लेता हूँ। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? बहुत कुछ करना है मेरी बहन, बहुत कुछ करना है। मैं जानता हूं बेटा कि तुम कहां जाना चाहते हो। तुम फिक्र मत करो, मैं थानेदार से अभी मिलकर आ रहा हूं और उन्होंने मदद का पूरा वादा किया है। बस बेटा कुछ कागजी कार्रवाई के लिए तुम्हें ठाकुर और मुंशी के खिलाफ शिकायत लिखवानी होगी जिसकी बिना पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और हाँ बेटा। कहिए चाचा। देखो बेटा, जिस वक्त तुम्हारे पिता ने आखिरी सांस ली थी तो मैं भी वहां पर मौजूद था। हाँ चाचा। और बेटा तुमने प्रतिज्ञा की थी कि जिन लोगों के कारण तुम्हारे पिताजी ने आत्महत्या की है तुम उन्हें बख्शोगे नहीं। और बेटा तुमने एक प्रतिज्ञा और की थी। जी याद है मुझको। और बेटा इस बात का जिक्र मैंने सरपंच जी के आगे किया था और इत्तेफाक की बात है कि सरपंच जी के पास आज कुछ लोग आए हुए हैं और उन्होंने आग्रह किया है कि मैं तुम्हें उन लोगों से और सरपंच जी से जरूर मिलवाऊं। कौन है वो लोग? तुम चलो मेरे साथ, परिचय वहीं मिल जाएगा। सरपंच जी आपके सहयोग के बिना तो ये काम संभव नहीं है। देखिए सरिता जी, आप हमारे गांव की बेहतरी के लिए इतना कुछ कर रही हैं तो फिर मेरे सहयोग ना मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको पूरे गांव का सहयोग मिलेगा, आप जिसे भी कहेंगी उसे आपकी सहायता के लिए हाजिर कर दिया जाएगा। फिर तो समझिए हमें हमारे काम में सफलता मिलने की पूरी आशा है। देखिए बहन जी, हमारे गांव के लोगों को अच्छी तालीम हासिल हो जाए इससे बढ़िया बात तो कोई हो ही नहीं सकती। अब देखिए ना, उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने गाँव में शुमार किया जाता है हमारा ये गाँव। पुराने ही क्यों, हमारा गांव उन गांव में शुमार किया जाता है जहां इस राज्य की संस्कृति पनपी, जहां विकास हुआ। पर अफसोस की बात तो यह है कि साक्षरता की दृष्टि से हमारा यह इलाका देश भर के सभी इलाकों से पिछड़ा हुआ है। सरपंच जी, इसीलिए तो हमारे नेशनल लिटरेसी मिशन ने जो अभियान चलाया है उसमें इस पूरे के पूरे इलाके को प्राथमिकता दी गई है। बस ये समझिए कि ये हमारे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैडम, जब इस जैसे नौजवान हमारे गांव में मौजूद हैं तो फिर चैलेंज कबूल करने में हिचकिचाहट तो होनी नहीं चाहिए। नमस्ते जी। नमस्ते बेटे, आओ बैठो, इनसे मिलो। ये है श्रीमती सरिता चतुर्वेदी और ये है मोहन गोयल। ये लोग, मैं हम दोनों का परिचय खुद ही दे देती हूँ। अच्छी, देखो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जिसके हम स्वयं सेवक हैं उसमें एक योजना बनाई है कि आस पास के गाँव और इस गाँव के ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ लिख सके। ज्यादा से ज्यादा क्यों बहन जी, प्रत्येक व्यक्ति क्यों नहीं? बहुत खूब, हाँ वाकई हर व्यक्ति क्यों नहीं, चाहे वो उम्र में छोटा हो या बड़ा हो। अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या बात है। क्या नाम है आपका? जी प्रभुदयाल।
अगर वाकई ऐसा हो जाए प्रभुदयाल भैया, तो तुम्हारा ये गांव एक आदर्श गांव में गिना जाएगा। सरिता जी, मैं पहले ही सरपंच जी को बता चुका हूँ कि इस नौजवान ने प्रतिज्ञा की है कि इस गांव का एक एक व्यक्ति पढ़ने लिखने के लायक हो जाए और शिक्षित हो जाए। वाह, तुम्हारे इस हौसले और इरादे की दाद देनी पड़ेगी प्रभुदयाल, तुम खुद भी तो पढ़े लिखे होगे। जी, 6 जमातें ही पास हूँ, लेकिन आगे भी पढ़ने का इरादा रखता हूँ। That's very good. क्यों मिस्टर गोयल? वाकई, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? आपने ऐसा संकल्प क्यों लिया? और आपके आगे क्या स्कीम है? स्कीम तो मैंने कोई नहीं बनाई भाई साहब, अभी तो सिर्फ इरादा ही पक्का किया है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का निश्चय पक्का हो तो वो पहाड़ भी काट कर रख सकता है। बहुत खूब, लेकिन अगर मेरे प्रश्न निजी नहीं है तो क्या तुम ये बताओगे कि तुमने ये संकल्प किसी खास जज्बे के तहत आकर किया? ये प्रश्न आप ना ही पूछे तो ठीक है बहन जी, बस आप इतना जान लीजिए कि मैं ये नहीं चाहता कि इस गांव का कोई भी बूढ़ा बच्चा जवान, चाहे वो मर्द हो या औरत, अनपढ़ रह जाए, और उसका भी वही हश्र हो जो कि मेरे बापू का हुआ। धीरज रखो बेटा, धीरज रखो। हाँ चाचा, जिस नेक काम के लिए आप यहां आई हैं बहन जी, उसके लिए आप मुझसे जो भी सेवा चाहेंगी मैं करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा। हाँ तो कहो प्रभुदयाल, क्या चाहते हो? क्या ठाकुर अवतार सिंह और उसके मुंशी के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दें? क्यों नहीं इंस्पेक्टर साहब, जरूर कीजिए। लेकिन लेकिन क्या? इस कागज के जरिए बाबू के साथ जो धोखा हुआ था वो तो हुआ ही था, लेकिन जब से उन्होंने उधार लेना शुरू किया था तब से वो कई और धोखों का भी शिकार होते रहे होंगे, इस बात का भी मुझे शक है। शक तो मुझे भी है, बल्कि मुझे यकीन है। तो क्या, किस तरह की कार्यवाही करेंगे आप? किस तरह की यानी? देखिए, मेरा मतलब है जिन जिन मौकों पर बापू को अनपढ़ जान के ठाकुर और उसके आदमियों ने बापू को धोखा दिया होगा, रकम में हेरफेर करके या किसी दूसरे तरीके से, उसकी पोल तो आप खोलेंगे। कोशिश तो यही होगी, लेकिन ये काफी नहीं है। मतलब? माफ कीजिएगा रहमत खान साहब, क्या आप ये सोचते हैं कि इतने बड़े गांव में सिर्फ मेरा बापू ही ठाकुर से कर्जा लेता रहा है? अपनी बात वाजे करो। मेरा मतलब है कि जितनी कमाई ठाकुर की अपनी जमीनों से है उससे दोगुनी तो महाजनी के धंधे से है। हो सकता है। थानेदार साहब, क्या आप ये सोचते हैं कि हवेली वालों ने सिर्फ मेरे बापू को ही अपने धोखेबाजी का शिकार बनाया होगा? आगे कहो। जनाब, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन बिल्कुल अनपढ़ भी नहीं हूं। इतना जानता हूं कि गांव के अधिकतर लोग अनपढ़ हैं, बिल्कुल अनपढ़, गरीब भी। किसी ना किसी सूरत में इनमें से बहुतों के साथ धोखा हुआ होगा, और शायद इस वक्त भी किसी के साथ धोखा हो रहा होगा। तो तुम कहना चाहते हो कि? जी आप ठीक समझे, मैं चाहता हूं कि हवेली वालों की पोल खुलनी है तो पूरे तौर पर क्यों ना खोली जाए। आप नहीं जानते इंस्पेक्टर साहब कि मेरे बापू की मौत ने, उनकी आत्महत्या ने मुझे कितना हिला दिया है। जो उनकी पीड़ा थी उतनी ही पीड़ा न जाने गांव के कितने भाइयों बहनों और बुजुर्गों की रही होगी। इस वक्त सारे गांव का दर्द मेरे दिल में समा गया है। हमारे गांव की खुशनसीबी है कि कुछ ऐसे लोग यहाँ एक बहुत बड़ी योजना बना के आए हैं जिससे ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी तामील दी जाएगी। मैं भी उस अभियान का एक अंग बनने वाला हूँ, लेकिन ये काम अधूरा होगा कि अगर हम गांव वालों को शिक्षित कराते वक्त इस मुद्दे से हट जाएं। ठाकुर ने जो धोखेबाजी की है उसकी पोल तो खुलनी ही चाहिए ताकि हर कोई सावधान हो जाए और ठाकुर और मुंशी जेल खाने में चक्की पीसते नजर आए। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे तुम्हारी बातों से डर लगता है। ठाकुर अवतार सिंह कितना रसूख वाला और ताकतवर इंसान है, अल्लाह जानता है। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो वाकई पूरे तौर पर क्यों ना की जाए, जिसके लिए हमें कुछ दूसरे कानूनी पहलुओं का भी ख्याल रखना होगा। मेरा मतलब है हर काम पूरे औपचारिक ढंग से करना लाजमी है, जिसके लिए हमें कुछ दूसरे लोगों की भी शिकायतें शायद दर्ज करनी पड़े। ऐसा करने से हर कोई डरेगा,
भाई मैं तो किसी से कह नहीं सकता कि भाई आओ ठाकुर के खिलाफ अपनी शिकायतें लिखाओ। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, क्या हुक्म है हुजूर? खैर इसे तो दो कुछ। जी हुजूर। शिकायत लिखा दी? हाँ शिकायत तो लिखा दी है। हाँ बोल। बस यही हुजूर कि जितनी रकम ठाकुर का मुंशी मुझे बतावे है उतनी तो मैंने कर्ज में ली ना थी, फिर भी वो कहवे है कि ब्याज को गिनकर इतनी रकम लौटानी है, नहीं तो मेरी कुर्की करा देगा। ले लिख लिया, यहां अंगूठा लगा। लो हुजूर। मेरी शिकायत लिख ले हुजूर। बोल। मैं गरीब आदमी हूं, मुझसे वो ठाकुर अवतार सिंह का मुंशी। अरे क्या तू भी उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने आ गया? मैं अरे कमबख्त पाजी, क्या थाने की साई इतनी सस्ती नजर आ रही है कि मैं हर किसी की शिकायत ही लिखता रहूं? मैं कुछ समझा नहीं माई बाप। अरे जा जा जा, मेरे पे फालतू वक्त नहीं है। क्या हुआ तेजपाल? जनाब क्या अर्ज करूं, यहां तो शिकायतों का तांता ही लगा हुआ है, जिसे देखो वो ठाकुर उसके मुंशी के खिलाफ शिकायत लिखवा रहा। अगर कोई शिकायत लिखाने आता है तो तुम लिखो, FIR लिखाना और शिकायत दर्ज कराना सबका अधिकार है, ये बताना पड़ेगा तुम्हें। शिकायत दर्ज होगी तभी तो हम कोई एक्शन ले सकते हैं। जी जनाब। बोल लिखा भाई, क्या लिखा रहा? भाई प्रभु दयाल, सुना है तुम्हारे उकसाने से सारा गांव उमड़ पड़ा है और लोगों ने जमींदार और उनके मुंशी के खिलाफ शिकायतें लिखवाई हैं। मैंने किसी को भड़काया हो ऐसी तो कोई बात नहीं है बहन जी, सिर्फ उन बेचारे अनपढ़ गवानों की हिम्मत बढ़ाई है ताकि वो बेखौफ होकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सके। मेरा मतलब भी यही था कि तुमने उनकी हौसला अफजाई की है। आप नहीं जानती मैडम जी कि मुंशी और ठाकुर जैसे लोग इस बात का कितना नाजायज फायदा उठाते हैं कि मैं जानती हूँ, या यूं कहो कि कल्पना कर सकती हूँ कि निरक्षरता का फायदा उठाकर लोग क्या नहीं कर जाते। इस सब के खिलाफ संघर्ष ही तो हमारा अभियान है। वैसे प्रभु दयाल भैया, मुझे खुशी है कि तुम जैसे निडर और लगन से काम करने वाले लोग हमारे इस अभियान का अंग बन रहे हैं। तुम्हारी लीडरशिप, मेरा मतलब नेतृत्व को देखकर मुझे लगता है कि साक्षरता के लिए जो काम हम इस गाँव में करने जा रहे हैं उसमें हमें शत प्रतिशत सफलता प्राप्त होगी। मैडम मैं शत प्रतिशत सफलता उसको समझूंगा जब गांव के शत प्रतिशत लोग तालीम हासिल कर लेंगे। गांव का कोई भी बूढ़ा बच्चा मर्द या औरत अनपढ़ ना रह जाए, इसके लिए मैं सौगंध खा चुका हूं, नहीं भूल सकता मैं। जब बापू आखिरी सांस ले रहे थे तो मुझ पर क्या बीत रही थी। तो ये बात है। आइए सरिता जी, ये देखिए, ये है हमारे पुरखों की हवेली जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। काफी दिनों से ये खाली पड़ी है। जो आप पाठशाला बनाने के लिए कह रही थी ना, मेरे ख्याल से ये जगह ठीक रहेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों मोहन? हाँ हाँ बिल्कुल सरिता जी, देखिए यहाँ बच्चों के लिए क्लासें लग सकती हैं और अंदर बड़ी उम्र के गाँव वालों के लिए। हाँ आई थिंक सो। वैसे सरपंच जी, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा कार्यक्रम केवल साक्षरता तक ही सीमित नहीं है। क्या मतलब? इसका मतलब सरपंच जी कि बच्चों और बड़ों को थोड़ा बहुत पढ़ाना लिखाना तो हमारे प्लान में शामिल है ही, और इसके अलावा कोई ज्यादा पढ़ना लिखना चाहे तो उसके लिए भी हमारे प्लान में पूरी गुंजाइश है। और इसके साथ साथ गाँव वालों को तरह तरह के व्यवसायों में माहिर करना, उनकी मदद करना ताकि वो नए किस्म के काम धंधे करके अपनी कमाई में बढ़ोतरी कर सकें, और औरतें भी घर के काम धंधों से फारिग होकर ऐसे काम में पड़ सके जिसमें उनकी क्षमता हो, और ऐसे ऐसे काम करें कि जिसे देखते ही देखते ये लगने लगेगा कि इस गांव में एक नई चेतना जाग उठी है। तुमने ये बात बिल्कुल ठीक कही मोहन, सच पूछो तो तुम्हारी इन बातों से तो मेरा हौसला बढ़ रहा है। और फिर आप ही के गाँव में प्रभु दयाल जैसे नौजवान मौजूद हैं जिनका उत्साह देखते ही बनता है। मुझे प्रभु दयाल पर पूरी आशा है। अब देखिए ना, उसकी शहर में अच्छी भली नौकरी थी,
लेकिन गांव में सेवा करने की ऐसी लगन उठी कि उसने फैसला कर लिया कि अब वो यहीं रहेगा। मैंने उसे भी बुलाया है ताकि वो भी आकर देख ले कि पाठशाला के लिए जगह ठीक रहेगी या नहीं। लीजिए, प्रभु दयाल भी आ रहा है। माफ कीजिएगा सरपंच जी, मुझे आने में जरा देर हो गई। क्या बात है प्रभु दयाल, तुम इतने मायूस क्यों हो? आप जानना चाहते हैं तो सुनिए सरपंच जी, गांव के उन बेचारे अनपढ़ लोगों की मैंने मदद करने का बीड़ा उठाया था जिन्हें ठाकुर अवतार सिंह और उसके मुंशी ने अपने धोखे का शिकार बना लिया, और मुझे उम्मीद थी कि इस काम में थानेदार रहमत अली खां हमें अपनी पूरी मदद देंगे। सरपंच जी, थानेदार रहमत अली खां का तबादला कर दिया गया है। मैं जानता हूं इसके पीछे ठाकुर अवतार सिंह का हाथ है, लेकिन मैंने भी ठान रखी है कि ना तो ठाकुर अवतार सिंह और ना ही उसका मुंशी जेल की हवा खाने से बच सकेगा। गांव के एक एक आदमी को इंसाफ मिलकर रहेगा, इसके लिए मैंने अपने आप से वायदा कर रखा है।